जिससे मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरनी मेरी है, हीरनी मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। मैं फकीर तेरे गुरबत का, तुझसे तू मांगो रे। तू सिंगर मेरा तू है माई गेड़ा बे। मैं तेरे लिए दुआ मंगदा, मैं जिथे जिथे जाहिरिए सिंह तेरा परछा मंगदा। हम लोग जो है अभी रूम के अंदर एंट्री कर गए हैं और हम लोग आए हुए हैं बहुत दूर से चल के नहीं आए भाई, गाड़ी से आए हैं। ठीक है, तो पहले बस से चढ़े, फिर बस के बाद हम लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन के बाद हम लोग यात्रा करते हुए पूरी पहुंचे। पूरी पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ पे पूरी तो खाए नहीं भाई, लेकिन हाँ मिले हम लोग तीन लोगों से, इसका नाम है अनुभव और एक का नाम नीलेश, एक का नाम लेना चाहेंगे नहीं, अभी भी नहीं लेंगे हम। और देख लीजिए उनका मुखला दिखा देते हैं हम, देख के वो संतुष्टि मिलेगा। ये हमारे अनुभव जी लेते हुए, हाय कर दीजिए कैमरे के अंदर में। और हमारे नीलेश भैया है ना, बहुत एजेड इंसान है, इसे बच के रहिएगा है ना। और इसकी जो है भाई आशिकी नंबर टू। देखो भाई पहले 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 आशिकी में रुको 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 बोला नहीं इधर। पहले आशिकी में जो है मेरा नाम एक नंबर पे आया करता था, लेकिन जब से जो है ना ऐसा परिस्थिति आया है इसका नाम एक नंबर चला गया। नहीं भाई मेरा दोस्त जो है जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। उसके बाद हम कह रहे देखो इधर इधर बालकनी भी था, तो मेरा इच्छा हो रहा था कि हम यहाँ से कूद जाए। ठीक है, लेकिन क्या करें ऐसा दोस्त लोग नापाक मिला है, कूदने भी दे दिया हम लोग को है ना। और क्या बताएं मित्र तुमको अपना दुख का पीड़ा बाहर हम बना रहे थे कॉफी। ठीक है, कॉफी में क्या हुआ कि देखो क्या नजारा हो गया है भाई, और हाथ कुछ भी जल गया है ना भाई। क्या बताएं पेस्ट लिए थे मुंह धोने के लिए, हाथ में लगाए फिर रहे हैं। मेरा मानना है गाइस कि सुबह कुछ चाय बनाने या कॉफी बनाने आता ही नहीं। नहीं भाई देखो हमको आता था, लेकिन ऐसा मशीन दिया है भाई देखो भाई ऐसा मशीन में हम कैसे बनाएंगे चाय, तुम ही बताओ हमको है ना भाई।
देखो ना भाई, टेलीफोन भी दिया है, लेकिन टेलीफोन भाई ऐसा है ना कि काम ही नहीं करता है। देखो ना कैसा है, खतर खतर वाला, समझे। टीवी तो भाई लाजवाब है, ओनिडा कंपनी टीवी है। ये बालकनी, अब हम लोग बालकनी दर्शन करेंगे। बालकनी देखिए क्या सुंदर व्यूज है। नंबर टू में आ गए हैं। अब हम लोग ब्लॉग नंबर टू में आपसे रूबरू होंगे और हम बता दें कि हम लोग जो है अभी चिल्का झील पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो चिल्का झील का स्थिति है, देख के लगता है कि उड़ीसा वाला रवीन पटनायक जी थोड़ा कम काम किए हैं इसके ऊपर, और थोड़ा उजरा चमन जैसा दिख रहा है जगह, है नी। हम लोग चार चार ट्रेवलर बस से आए हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर देखिए लगा हुआ है, इसमें कोई आपत्ति वाला बात नहीं है, ठीक है। नवीन पटनायक जी थोड़ा कम काम किए हुए हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? काम किए हैं, देख रहे हैं बरगद का पेड़ में पत्ता नहीं है भाई। अरे पत्ता है, छाव नहीं दे रहा है, मौसम जो है ना सुखा रखा है। हमारे हमारे बहुत ही अच्छे सर हैं, अभी हम लोगों को पढ़ाते हैं नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे। अब आगे हम आपको मिलवाते हैं हमारे सबसे अच्छे कोटेशन वाले सर से, प्रमोद सर। हमारे सर की मोटिवेशन है हमारे लिए, सब सर कहेंगे। परिभ्रमण का मीनिंग नहीं जानता है, परिभ्रमण का मीनिंग बता दिए सर आप। हम लोग जा रहे हैं चिल्का, हम लोग की ओर चिल्का, धीरे धीरे हम लोग जो है चिल्का झील की तरफ बढ़ने वाले हैं। डायरी में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, गाड़ी का नंबर भी लिख लिए हैं। गाड़ी का नंबर तक लिखना है मनीष सर से, दो शब्द मतलब मनीष सर का अलीकांत सर बताएंगे सर हम लोग को किस तरह लिखना है। शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि कॉलेज टू कॉलेज, हर एक चीज को नोट करते जाना है ना। हाँ, जैसे आप गाड़ी पे चढ़े बस से, क्या क्या खाए, हाँ क्या क्या खाए, कौन कौन आपके गाड़ी पे था, गाड़ी का नंबर क्या है, कौन टीचर थे आपके गाड़ी में, हाँ साथ में कहाँ रुकी गाड़ी, नाश्ता किए आप, क्या क्या खाए, किस तरह किस तरह क्या क्या था नाश्ते में आइटम, होटल जी लिखना जी। हमारे मणिकांत सर जी द्वारा जो हम लोगों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी गई। अभी हम आगे चलेंगे धीरे धीरे, चिल्का झील की तरफ अग्रसर है, कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। देखिए नवीन पटनायक जी हमारे लिए गाय की व्यवस्था भी किए हुए हैं थोड़े थोड़े। एक बार सब लोग हाय कर दो भाई कैमरे के अंदर में। हाय गाइस, वी आर ब्लॉगिंग हियर, आज इसको देख लीजिए, इससे मिलिए, ये हमारे बहुत ही उत्तम है, ये हमारे शुभम का दोस्त है, प्रिय मित्र। अगर किसी को उल्टी है चक्कर आता है 26 है, क्रैक पॉइंट है, डॉल्फिन पॉइंट है, आर्क पॉइंट है।
समय कितना लगेगा? एक 26 सीटर कितने देर का होता होगा? कितना बोले? 500 पर हेड। पर हेड ज्यादा लग रहा। तो अभी जो है हम लोग चिल्का झील की तरफ आए थे, लेकिन क्या करें, वोटिंग के नाम पे हम लोग को जो है 500 रुपया पर हेड देना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि कुछ ही लोग इस मामले में राजी हो पाएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे का, बताएंगे वोटिंग का क्या सीन है, क्योंकि हम लोग नया ब्लॉगर है अभी। हम लोग को YouTube से पैसा मिलता है नहीं, तो अब सस्ते में शूट करेंगे ना क्या? इससे पूछिए, ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, ये हमारे रवि शास्त्री जी भी हैं। इनको लोग जो है मछली के लिए फूड जरूर लेना, बहुत मजा आ जाएगा। उनको हाथ में दीजिए, बोर्ड में लगिए। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हम लोग सोनिका मैम से थोड़ी बातें करेंगे टूर के बारे में, तो मैम थोड़ी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टूर के बारे में। यहाँ पर टूर का जो जाएंगे वो 500 लग रहा है, कम लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये वाला हम लोग आए हैं डिस्काउंट। तो मैम का कहना है कि अगर हम 500 में अगर आप अकेले भी आ सकते हो, सबसे बड़ी बात है। मनीष सर से जानेंगे चिल्का झील के बारे में। बोलना ही पड़ेगा, कुछ नहीं जानते। बातें बोलिए। 499 का पैकेज है, 1 रुपया मैनेजमेंट वहन करेगी, 500 रुपये का पैकेज। सर धूप के बारे में कुछ कहना? धूप के बहुत अच्छा है, नहीं चश्मा लगाए सब रात दिख रहा होगा अंधेरा है। थोड़ा साइड हो जाइए। हमारे प्रिंसिपल सर कुछ बोलना चाहेंगे जीत के बारे में? मुझे बोलना है कि जो भी इंटरेस्टेड है और वो चले, क्योंकि हम लोग आए हैं यहाँ पर चिल्का झील, तो जब तक हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर की तरफ से है ये तो फिर ट्रीट दे दी सर आपकी लोगों को। हम लोग जो है चिल्का झील पे आए थे घूमने के लिए, उम्मीद के साथ में आए थे। स्थिति जो है बहुत गंभीर है, मैम प्रसाई रहती है, स्थिति बहुत गंभीर है, क्या बताएं। हम लोग जो है चिल्का झील पे सोचे बोटिंग करेंगे, और बोटिंग के नाम पे ये लोग यहाँ टोपी खरीद रहा है, देख रहे हैं चिल्का झील टोपी खरीद रही है। टोपी के साथ ले भी लीजिए, टोपी साथ फोटो भी ले लेते हैं। तो धूप में घूमी रवीना जी टोपी खरीद रही है, आप कुछ कर रहे हैं ना? इतना टोपी दिया है उसका कम पड़ गया। गाइस जो मेन मुद्दा है हम उस पर लेके जाना चाहते हैं आपको, मेन मुद्दा जो है हम आपको नहीं बताए हैं अभी तक, जो बहुत सीक्रेट बात है। इधर जो है चिल्का झील है, ठीक है, और इसमें हम लोग को बोटिंग करने का जो है 600 रुपया पर यूनिट लग रहा था। यूनिट समझते हैं क्या होता है, पर हेड। अभी क्या हुआ ना कि मतलब हम लोग तो हिम्मत करके यहाँ तक आ गए हैं, जेबी में पैसे न है, 600 रुपया अगर हम बोटिंग करने का देंगे तो उससे अच्छा हम लोग का खड़गपुर झील मुंगेर में है, जमुई वहीं घूम लेंगे, ठीक ना। तो जो है हम लोग जो है बड़ी उदासीनता के साथ जो है हम लोग जो है वापस जा रहे हैं मित्र, और नहीं होगा
संतुति स्थिति गंभीर हो गया है। बाकी का जो है वीडियो आपको हम अगला स्टेज में बताएंगे। इनसे मिलिए, आइए सर। अरे आप भी थोड़ा कुछ बोल लीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो? इनका नाम अम्मो है। आइए इधर आइए। फॉर्म अमृता। नहीं, इसका नाम जो है ना अमकुट है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेलकम टू माय चैनल। फर्क है भैया, फर्क आ रहा है। अरे कान पकड़ के उठा रहे थे, कान पकड़ के ले रहा है। हम लोग घूम लिए और बहुत ही आनंद आया क्योंकि हम लोग सिर्फ पानी को दर्शन देख करके आ गए, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपए ले रहा था बोर्ड का फीस। स्टूडेंट का कोई कंसेशन नहीं दे रहा था और स्टूडेंट के नाम पर कोई भी प्लस काउंट नहीं किया जा रहा था, जिससे हम लोग का एजुकेशन फेल हो गया। इसमें जो है आप नवीन पटना आया के बारे में पटना आया कि नहीं है पटना आया नवीन आने वाले बाहर मतलब बाहर स्टेट को भी कुछ। अच्छा, हम कहते हैं कि अगर 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 सरकार का ये सवाल रहा जो परिजन यहाँ परिजन आते हैं उसे हम 600 रुपया लेते हैं क्योंकि हम इनका जिले का और विकास करते हैं, तो आपको कहाँ से लगता है कि 600 रुपया में इनका विकास हुआ है? देखिए, गुजरात चमन लग रहा है कि नहीं? विकास नहीं हो रहा है। विकास है, बताइए। विकास नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा। विकास के नाम पे तुझे मास्टर सर कहाँ सर आप आइए चिल्का जिले के बारे में दोस्तों बोलिए। यहाँ पे आइलैंड पे जा सकते हैं चिल्का झील में, वहाँ पे क्रैब मिलेगा, उसको खा सकते हैं। अरे केकड़ा? नहीं, क्रैब। क्रैब मछली में होता है वो। अच्छा, जो होता है झींगा वाला? हाँ, सूखा वो बहुत तरह का मिलेगा। लाल वाला केकड़ा मिलेगा और डॉल्फिन देखने को मिलेगा। डॉल्फिन लेकिन सर हम लोग तो जा ही नहीं रहे हैं। और जानते ही है ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील होता है चिल्का झील। हाँ, ये बात तो सही है, सबसे बड़ा खारे। अच्छा, सी माउथ के बारे में चीज बताइए। मिलता है ना चिल्का झील समुद्र से? सुने मिलता है यहाँ समुद्र में, नदी और आइलैंड टाइप का वहाँ है। झील के बीच में 30 फीट नीचे अंदर में दिखता है। क्या ब्लॉक खत्म? नहीं, ब्लॉक चल रहा है सर। राजनीतिक मुद्दा करना चाहिए। 600 रुपया कुछ नहीं है वहाँ जाके और ज्यादा पसंद होगा। थोड़ा राजनीतिक मुद्दा बाद करते हैं, बाद में कीजिएगा, पहले वो फाइनल कर लीजिए। मोदी जी को फोन से निकलवा। अभी जो है चिल्का झील घूमने का प्रोग्राम बनाइए सबको कही। बहुत थक गए हैं हम लोग, 3 दिन से शोभा यात्रा करते आ रहे हैं। और इधर जो है हम लोग का मैपिंग लगा हुआ है, यहाँ पर से हम लोग देख सुन के यहाँ से। अरे बगवा था रे, ए नुनू बाघ था यहाँ पे। क्या बाघ बोलता है? ये बाघ नहीं बोलता है। बोलो ना भाई, बोल रहा है। मांस नहीं मिला। हाँ, ए भाई बाबू सोना मोना चलो हो गया। तो गाइड हम लोग को अजीत भैया मैप के बारे में जानकारी देंगे। किधर जाना गाइड? अभी हम लोग को पहले मैप का फोटो मैं भी ले लूं, मुझे भी नहीं पता भाई। नया आदमी भूल जाता है भाई, देखना कहीं जोर सामने दे हम लोग को। गाइस हम लोग जो है जूलॉजिकल पार्क जो है जो नंदन कानन में है, मजाक नहीं किया, हम लोग
अरे सब सीधा जा रहा है, देखिए ना सब धरना देख के बोल रहा है। अरे वो लोग कब बोलते चलो वहाँ बोल के आते हैं। अरे आगे बोला ही ठीक है नंबर वहाँ से ले। गाइस चलिए 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 ऐसे चलते। हेलो गाइस हम लोग सुपर गार्डन साथ में हैं। ए नंदन हाय। अरे लड़का पर जी आ गए फोटो खिंचाने के लिए। भैया के साथ चलेंगे हम लोग। कम भैया है हमारे जो IRCTC की तरफ से हम लोग का IRCTC अंकुश प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम पटना से हम लोग आए हुए हैं, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड है और अच्छा तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है। यदि आप लोगों को भी कहीं भी किसी भी साथ में फैमिली ट्रिप या फिर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज स्कूल ट्रिप के लिए आपको करना हो तो अमित रजनी की वेबसाइट पर जाकर के आप वहां से विजिट कर सकते हैं। बाकी हम लोग का उत्तम भैया से भी बात कर सकते हैं। मोस्ट मोस्ट वेलकम। अभी हम लोग उधर चलेंगे। अब यहाँ से किसी ठहर टिके ना पाओ बन गया अपना।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जो है हम लोग यात्रा करते हुए जो है हम लोग अब अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे हम लोग दो ही मिनट के लिए। चलिए पहले तो हम लोग बात करेंगे। अब पहले कुछ होता है, चलिए अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हम लोग का। एक्सपीरियंस हम लोग का यही रहा, टूर बहुत ही बेहतरीन रहा और ऐसा टूर फिर से होना चाहिए हर महीने। आप क्या कर रहे हैं हमारे गोल्डी का मसाला होते रहे? बिल्कुल गेस्ट रहते होते रहे। सही बात, भाईचारा आपस में बढ़ता है, भाईचारा तो बना रहा है, मास्टर का साथ भाईचारा छोटे बना रहा है। बोलिए सर, आपका अनुभव क्या ब्याह करता है? अच्छा रहा अनुभव, क्या कहता है टूर का, बहुत मजा आया। आप दो एक दूसरे को नहीं जान रहे थे, एक दूसरे के क्लोज आए। टीचर और क्या कहता है, स्टूडेंट का रिलेशन भी से बेटर हुआ है। बहुत बढ़िया बात कराया आप भी, बस आपका बहुत सहमत। जो नहीं आए बहुत ही अफसोस है, जो नहीं आए उनको लेकिन आना चाहिए, उनको अफसोस करना चाहिए कि बहुत अफसोस वाले को। हाँ, थोड़ी सी वो अपन दिक्कत परेशानी होते रहती है हर जगह जाने के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई ऐसे बिहार में समस्या का कोई निदान नहीं है, बात भी सही है। बिहार में ऐसी समस्या का निदान नहीं, इसलिए समस्या से डरना नहीं चाहिए, उसे करना चाहिए। बहुत अच्छा, आगे मित्र से मिलेंगे हम। हाँ, यहाँ बैठे हुए ग्रुप हमारे साथ, आप हमारे साथ टूर का जरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आदित्य कुमार लिंगराज मंदिर नहीं जा पाए, और कुछ बाकी आपको कुछ व्यवस्था कैसा था? व्यवस्था चखा था, खाना पीना चखा था, जर्नी कैसा रहा? मस्त, सुपर। हाँ भविष्य आपसे इसको जानेंगे, आप बताइए कैसा लगा व्यवस्था आपको? अंग टूरिज्म की तरफ से हम लोग गए हुए थे, और अब तो लिंगराज मंदिर नहीं जा पाए, जहाँ तक देखते हैं हम लोग सब लोग से लिंगराज मंदिर नहीं जाता। आप क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए टूर तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बस जो मॉर्निंग थी उन्होंने उसके बाद आसानी के मुताबिक काम कर सका, और कुछ नहीं और सब कुछ आप भी आपसे कुछ बात कराते हैं। हम चाहेंगे कि सेकेंड ईयर में भी टूर पे ले जाए, जो है कि एजुकेशन के साथ साथ टूर हो तो उसका और ज्यादा आनंद हो, इसमें जानकारी भी मिलेगी। इस टूर में आपको क्या अफसोस तो लगा के गास मिस हो गया, लिंगराज मंदिर से छूट गया, इसलिए यही सब हमको मिलन पार्क छूट गया, गोल्डन ब्रिज छूट गया, छूट बीच में हमको दो घंटा समय बिताना चाहिए तो नहीं हो पाया, यही अफसोस है। और सब ठीक, और सब ठीक, खाना पीना सब ठीक ठाक? और सब मस्त, खाना पीना जो मिला तो आप भी जान रहे हैं, पब्लिक जानना चाहती है। आइए थोड़ा सा हम बढ़ेंगे और आगे एक ग्रुप हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। रुकिए, हाय नहीं करना आप, बैठे ना बैठे ना। तो हमारे साथ जो है थोड़ी जानकारी हम शुरू से देना चाहेंगे कि कैसा रहा हमारा टूर एक्सपीरियंस। देखिए एक चेहरा छुपा है, मतलब कुछ सोचा है इसके लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे टूर के बारे में? Thank you.
कहना चाहेंगे जिस एरिया हम लोग गए थे वहाँ नमक की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सब्जी में नमक नहीं था। सोचिए पानी तक में नमक, पानी में नमक मिला है, लेकिन जो है सब्जी में नमक नहीं था। एक सीख मिला है कि आप जब भी जाना है तो एक मुट्ठी नमक ले, एक मुट्ठी एक मुलाकात हो गया हमारा कॉलेज में, फिर मुलाकात करेंगे हम लोग। हो तो पे ठहर जा।